हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसिफ सर। कॉस्टिंग की लेक्चर सीरीज में एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं हम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ चैप्टर, जिसका नाम है आप लोग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व किए होंगे तो आप लोग के जरूरी है कि आप लोग एटलीस्ट की थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव्स पे जाइए। और मैंने इसके ऊपर पूरी लेक्चर सीरीज बनाया था, ऑलमोस्ट 7 से 8 लेक्चर मैंने बनाया इसके ऊपर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे सॉल्व करने वाले, इसको आप लोग को सॉल्व करके दिखाना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला क्या लिखेगा? ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिटरमाइन ब्रेक इवन प्रोडक्शन लेवल, कंट्रोल कॉस्ट, एलोकेट कॉस्ट विद मोर एक्यूरेसी। तो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आगे स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम में बी यूज्ड इन, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम होता है किस में यूज होता है? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग बट नॉट प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग बट नॉट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। आइदर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, नाइदर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज होता है किसके अंदर? ए, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में यूज होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में जल्दी यूज होता नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके टेक्स्ट बुक का आंसर रॉन्ग हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि पहले आप लोग एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए। देखिए ये दो आंसर थोड़ा मैंने क्या बोलते हैं, मेरे को डाउट है टेक्स्ट बुक में आपके ऑलरेडी थोड़ा रॉन्ग दिया है शायद, तो एक बार आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरेटिकल पार्ट जो लेसन के पहले है, और फिर वापस से इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ये दोनों चीज का आप लोग थोड़ा एक बार थ्योरी पढ़ लेना, थ्योरेटिकल पार्ट में आप लोग को मिल जाएगा। क्या पता मेरे से भी गलती हो सकती है ये दोनों क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मोस्टली मैंने पढ़ के ही बताया आप लोग को, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा है। आप लोग पढ़ना है तो पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए, एन एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट व्हाट शुड बी इज नोन एज, एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट मतलब हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि कॉस्ट शुड बी मतलब ऐसा होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल कॉस्ट। मतलब हम लोग इतना चाहते हैं ऐसा कॉस्ट होना चाहिए, इतना खर्चा होना चाहिए। आगे स्टैंडर्ड कॉस्ट इज, स्टैंडर्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं? अ टोटल अमाउंट दैट अपीयर्स ऑन बजट फॉर अ प्रोडक्ट कॉस्ट, जो टोटल अमाउंट प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के लिए बजट में दिखता है वो। अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एज एफिशिएंट ऑपरेशन, प्री डिटरमाइंड पहले से डिसाइड किया हुआ कॉस्ट जो मैनेजमेंट क्या करता है, कैलकुलेट करता है। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट एक्सपेक्टेड, नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते कॉस्ट एक्सपेक्टेड से, उसको बोलते हैं। एनी अमाउंट दैट अपीयर ऑन बजट बराबर ना, तो इसका आएगा आप लोग का फोर्थ का डी, जो हम लोग का बजट में अपीयर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बेसिक स्टैंडर्ड, ये लोग में से सबसे बेस्ट बेसिक स्टैंडर्ड को कौन डिस्क्राइब करता है? अ स्टैंडर्ड सेट एन आइडियल लेवल विच मेक्स नो अलाउंस फॉर नॉर्मल लॉस, वेस्ट एंड मशीन। एक स्टैंडर्ड जो हम लोग सेट करें आइडियल लेवल पे, जो अलाउंस और नॉर्मल लॉस को नहीं लेता है, विच मेक्स नो अलाउंस, मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस को और वेस्ट और मशीन को डाउन टाइम को कैलकुलेशन में मतलब कंसिडरेशन में नहीं लेता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट विच अज्यूम एन एफिशिएंट लेवल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, बट विच इंक्लूड्स अलाउंस फॉर फैक्टर्स सच एज नॉर्मल लॉस, वेस्ट, मशीन। मतलब ऐसा सिस्टम जो नॉर्मल लॉस और जो हम लोग पढ़े क्या बोलते हैं मशीन वेस्टेज वगैरह को इंक्लूड में लेता है। A standard which is kept unchanged for long period of time, ऐसा standard जो बहुत time से change हुआ ही नहीं है। A standard which is based on current price level, तो basic standard जो होता है हम लोग का ये होता है D, बराबर ना, इसका आएगा आप लोग का fifth का D, D या C आएगा, इसका भी आप लोग check कर लेना। Actually basic जो standard होता है वो उसलिए होता है कि वो क्या बोलते हैं, which is unchanged, बहुत सालों से change नहीं हुआ है, उसी को हम लोग बेसिक बोलते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में इसका शायद आंसर आप लोग का डी दिया हुआ है, तो एक बार जरा आप लोग इसको पढ़ के कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, मतलब देख लेना कि क्या है कि करंट प्राइस लेवल को बोलते हैं हम लोग के अनचेंज जो है बहुत दिन से, मेरे ख्याल से अनचेंज ही है, क्योंकि बेसिक जो स्टैंड होता है वो सालों से अनचेंज नहीं होता है, उसी को हम लोग बेसिक स्टैंड बोलते हैं। फिर भी देख लीजिए आप लोग, हाँ, स्टैंड विच इज अज्यूम एफिशिएंट लेवल ऑफ ऑपरेशन, बट टेक्स्ट बुक में मत देखना, टेक्स्ट बुक के थ्योरी में देख लूंगा, तो मतलब आप टेक्स्ट बुक के पीछे देखो, टेक्स्ट बुक के पीछे तो गलत दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक की थ्योरी में लूंगा। A standard which assume efficient level of operation, ऐसा standard जो efficient level of operation आपको assume करते, but which includes allowance for factors such as waste and machine is known as, मतलब जो यहाँ का जो second part था ना उसने B, वो बताया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो पूछा है उसने, ठीक है ना। तो क्या लिखा है? Ideal standard, normal standard, attainable standard, neither B or C, तो इसका आएगा आप लोग का C, attainable standard, ऐसा standard हम लोग क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मशीन डाउन टाइम और क्या बोलते हैं मशीन का जो वेस्ट होता है वो सब टाइम को क्या करा है, इंक्लूड किया है। आगे विच स्टैंड इज बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ मोस्ट फेवरेबल कंडीशन पॉसिबल, ऐसा कौन सा स्टैंड है जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से रहता है, बराबर ना। आइडियल स्टैंड, नॉर्मल स्टैंड, एक्सपेक्टेड स्टैंड, अटेनेबल स्टैंड, तो इसका आएगा हम लोग का आइडियल स्टैंड, जो हम लोग के फेवर मतलब इतना हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो सेवन का क्या आएगा आप लोग का ए। द स्टैंड कॉस्ट कंटेन
क्वांटिटीज एंड कॉस्ट फॉर, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का, उसमें क्या क्या होता है, क्वांटिटीज एंड कॉस्ट फॉर डायरेक्ट मेटल डायरेक्ट लेबर दोनों रहता है, डायरेक्ट मेटल एंड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मेटल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वर्ड्स, तो ये तीनों ही रहता है ठीक है ना। अभी हम लोग चैप्टर में हम लोग जो स्टैंडर्ड कॉस्ट का चैप्टर हम लोग को पढ़ाया गया उसमें डायरेक्ट मेटल और डायरेक्ट लेबर के बारे में ही बताया बराबर ना, ओवर्ड्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन ओवर्ड्स के भी क्या बोलते हैं वेरियंस होते हैं, आगे हम लोग को पढ़ना रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्यूरेटली डिस्क्राइब वन ऑफ द वे इन विच स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड, इन लोग में से कौन सा ऐसा वे नहीं मतलब ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्यूरेटली डिस्क्राइब वन ऑफ द वेज इन विच स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड, एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं करता है जो एक वे को जो स्टैंडर्ड को डेवलप स्टैंडर्ड डेवलप करने में यूज नहीं होता है। स्टैंडर्ड मेटेरियल क्वांटिटीज में भी डिटरमाइंड बाय इंजीनियर स्टडीज, इंजीनियरिंग स्टडीज स्टैंडर्ड मेटेरियल जो क्वांटिटी डिसाइड होती है वो इंजीनियरिंग स्टडीज करके की जाती है, ऐसा उसने बोला है। फिर लिखा है सप्लायर प्राइस लिस्ट में बी यूज टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ मेटेरियल, सप्लायर प्राइस लिस्ट हम लोग तो ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस क्या होता है, सप्लायर के अलग अलग प्राइस लिस्ट मंगाएंगे। टाइम एंड मोशन स्टडी आर समटाइम्स यूज टू डिटरमाइन लेबर एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड टाइम एंड मोशन स्टडी यूज करते हैं हम लोग तभी पता करते हैं कि लेबर की क्या एफिशिएंसी स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। एम्प्लॉय टाइम कार्ड आर ऑफन यूज टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड लेबर वेजेस रेट, तो एम्प्लॉय टाइम कार्ड से हम लोग को लेबर वेजेस हम लोग डिसाइड नहीं करते, मार्केट में जाएंगे पता करेंगे क्या रहता है नॉर्मली, तो वो उससे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड के लिए सबसे रॉन्ग क्या है, ये वाला डी वाला। व्हाट टर्म कैन बी डिफाइंड एज मीन्स ऑफ असेसिंग द डिफरेंस बिटवीन अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट एंड द एक्चुअल अमाउंट, कौन सा टर्म है जो असेस करने के लिए डिफरेंस बिटवीन प्री डिटरमाइंड अमाउंट एंड एक्चुअल अमाउंट, जो पहले से अमाउंट होता है और एक्चुअल अमाउंट, तो कौन सा टर्म हम लोग यूज करते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ए वेरियंस एनालिसिस, एकदम सिंपल है बराबर ना, वेरियंस से पता करते हैं प्री डिटरमाइंड मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों को कंपेयर करेंगे तो वेरियंस निकालते हैं। टोटल कॉस्ट वेरियंस इज बेस्ट डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन, टोटल कॉस्ट वेरियंस होता है किसके बीच का डिफरेंस होता है, टोटल कॉस्ट वेरियंस बराबर ना, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट लास्ट ईयर का नहीं, टोटल स्टैंडर्ड लास्ट ईयर भी नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट बजट इनकर्ड एंड द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, क्या हमने कॉस्ट बजट किए थे बराबर ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट बजट की बजट था हम लोग का और कितना एक्चुअल होगा, लास्ट करके एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आउटपुट अचीव इन पेड एंड टोटल एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, तो इसका आएगा आप लोग का डी कि आप लोग ने स्टैंडर्ड कॉस्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट अचीव मतलब कितना तुम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट आउटपुट अचीव करना चाहता और कितना तुमने एक्चुअल कॉस्ट खर्चा किया, तो इसका आएगा आप लोग का 11th का डी। 12th इफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज लोअर देन द एक्चुअल कॉस्ट, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको क्या है कम है और एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है तो सिंपल एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो गया आप लोग का तो क्या रहेगा आप लोग के लिए एडवर्स बराबर है। आगे 13 नेगेटिव नहीं बोलते हैं इसके अंदर वर्ड यूज करते हैं फेवरेबल मतलब पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल नेगेटिव आएगा तो एडवर्स बोलते हैं। 13 पे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, फेवरेबल वेरियंस अकर्स व्हेन, फेवरेबल वेरियंस कब आता है, एक्चुअल कॉस्ट फेवरेबल बोला ना उसने तो एक्चुअल कॉस्ट आर लेस देन द मार्जिनल कॉस्ट, actual cost stand cost are less than the actual cost, actual cost are less than the selling cost selling price, actual cost are less than the stand cost, इसका आएगा आप लोग का 13 का D के actual cost आप लोग का stand cost से क्या रहेगा कम रहेगा तो आप लोग favorable बोलेंगे, ये सब उसका ऊपर का उल्टा है। stand cost quantity allowed is computed by multiplying stand quantity allowed जो है हम लोग की वो कैसे calculate होती है किसको multiply करके, actual input in units by the stand output allowed, actual output in units by the stand input allowed, actual output in units by stand output allowed, stand input in units by the stand input allowed, तो इसका आएगा आप लोग का actual output by the standard input allowed, actual output को आप लोग क्या करेंगे stand input allowed से multiply करेंगे तो आप लोग को stand quantity allowed मिलेगा, तो 14 का क्या आएगा आप लोग का B, the difference between actual price and stand price, actual price और stand price का difference बोला है मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई किससे करना है एक्चुअल क्वांटिटी से, तो आप लोग को अगर मालूम होगा प्राइस का प्राइस से प्राइस माइनस करते हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं, तो इसका आएगा आप लोग का सी 15 का सी। 16 पे आते हैं द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, तो इसमें आता है हम लोग का मटेरियल क्वांटिटी आ गया तो यूसेज आता है ना, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो इसका आएगा आप लोग का डी। 17 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू यूजिंग द स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू कंप्यूट मटेरियल वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल वेरिएंस निकालने के लिए कहां कहां काम आता है, मटेरियल वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग को सिर्फ काम आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस में, तो ये हम लोग का आएगा मटेरियल यूसेज किसमें है, इसमें भी है इसमें भी है, तो आएगा डी क्योंकि जब हम लोग मटेरियल यूसेज लिखते हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी करते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या मिलता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस मिलता है, ये हम लोग को मिलेगा ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू यूजिंग द स्टैंडर्ड यूनिट प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस की बात कर रहा है वो टू कंप्यूट मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस निकालने के लिए, तो देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्वेश्चन प्राइस, प्राइस तो चाहिए तो मतलब या तो ये रहेगा पहले ही रहेगा
क्योंकि प्राइस एक ही नहीं दो में एस बोलेंगे, देखो दो में। तो अभी कौन सा देखो, प्राइस जब हम निकालते हैं तो प्राइस वैरियंस ना हम लोग एक जगह और काम आते हैं, किसमें काम आता है, क्वांटिटी वाले में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, याद है क्या? क्वांटिटी जब माइनस करते हैं हम लोग तो हम लोग यूसेज वाला रहता है ना ये, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं उसको, स्टैंडर्ड प्राइस से माइनस करते हैं। तो मतलब स्टैंडर्ड यूसेज वैरियंस निकालने के लिए भी काम आता है। तो मतलब ये आंसर क्या रहेगा इसका, हम लोग का इसका आंसर रहेगा बी, करेक्ट है, क्लियर है, बी आएगा आप लोग का। देखो इसका आंसर 18 का क्या आएगा आप लोग का, बी 19। द टर्म स्टैंडर्ड आर्स अलाउड मेजर्स, स्टैंडर्ड आर्स जो अलाउड है क्या मेजर करता है, बजटेड आउटपुट एट एक्चुअल आर्स, बजट आउटपुट एट स्टैंडर्ड आर्स, एक्चुअल आउटपुट एट स्टैंडर्ड आर्स, एक्चुअल आउटपुट एट एक्चुअल आर्स। तो इसका आएगा आप लोग का बजटेड आउटपुट एट स्टैंडर्ड आर्स, नहीं एक्चुअल आउटपुट एट स्टैंडर्ड आर्स, स्टैंडर्ड आर्स अलाउड, तो क्या रहेगा एक्चुअल आउटपुट एट स्टैंडर्ड आर्स। ये हम लोग निकालते फॉर्मूला है उसका, स्टैंडर्ड इनपुट माइनस ना वो फॉर्मूला का हम लोग का, स्टैंडर्ड आर्स अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, इसका फॉर्मूला था। चलिए द लेबर रेट वैरियंस इज कंप्यूटर एज, लेबर रेट वैरियंस, रेट निकालना है तो हम लोग को क्या चाहिए, रेट माइनस रेट चाहिए, बराबर ना। रेट जो हम लोग करते हैं, रेट के अंदर क्या रहता है हम लोग का, नॉर्मली क्या रहता है जो फॉर्मूले में रहता है वो क्या रहता था, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल, जब भी हम लोग रेट करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल, तो ये आएगा डी। इफ द एक्चुअल नंबर ऑफ लेबर आवर्स वर्क इज लेस देन द स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड फॉर इक्विवेलेंट यूनिट टाइम, दिस इंडिकेट्स, क्या बोला उसने, एक्चुअल नंबर ऑफ लेबर आवर्स वर्कड इज लेस देन द स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, एक्चुअल नंबर ऑफ जो काम कर रहे हैं वो क्या है, कम है स्टैंडर्ड आवर्स से। तो हम लोग का आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, फायदे में रहेगा, क्योंकि हम लोग ने एक्चुअल काम क्या करें, कम टाइम में करके दिखाए, तो हम लोग का आएगा फेवरेबल। अब फेवरेबल दो है, लेबर वेरियंस आएगा कि लेबर एफिशियंसी आएगा, तो टोटल लेबर वेरियंस नहीं टोटल एफिशियंसी वेरियंस, तो 21 का क्या आएगा आप लोग का डी, आप लोग एफिशियंसी आप लोग की क्या है अच्छी, क्योंकि आर्स की बात कर रहा है वो, तो आर्स हम लोग एफिशियंसी निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्टैंडर्ड लेबर आर्स बीइंग यूज्ड टू कंप्यूट लेबर वेरियंस, तो उसने क्या बोला, स्टैंडर्ड लेबर आर्स की बात कर रहा है, काहे के लिए, लेबर वेरियंस निकालने के लिए, लेबर्स की बात कर रहा है वो, मतलब ऊपर मटेरियल की बात किया था, अब किसकी बात करने लगा था, ज्यादा लेबर की। तो देखो स्टैंडर्ड लेबर हम लोग कब यूज करते हैं, आर्स, आर्स कब, तो आर्स सिंपल बात है जो हम लोग का एफिशिएंसी वेरियंस है उसमें तो आता ही है, तो एफिशिएंसी वेरियंस वाला ये दो है, बराबर है दोनों में ऐसे, लेकिन इसमें रेट में भी ऐसे। तो हम लोग अगर पता करेंगे जो लेबर रेट का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, रेट का फॉर्मूला, रेट का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड रेट्स माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इनटू एक्चुअल क्वांटिटी करते हैं हम लोग यूज करते हैं, तो एक्चुअल क्वांटिटी नहीं एक्चुअल आर्स बोलते हैं, तो एक्चुअल आर्स यूज होता है, स्टैंडर्ड आर्स यूज होता नहीं है। तो मतलब आंसर क्या रहेगा आप लोग का, 22 का डी रहेगा, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्ड टू यूजिंग स्टैंडर्ड लेबर रेट, स्टैंडर्ड लेबर रेट की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड लेबर रेट की बात कर रहा है, तो दोनों कौन सा राइट रहेगा, ए या तो बी, दोनों में से कोई एक रहेगा, क्योंकि दोनों में रेट में ही यस है, तो रेट तो काम आएगा, लेकिन अभी हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि एफिशिएंसी में हम लोग को जो है रेट आते हैं, एफिशिएंसी में अगर देखोगे तो हम लोग का फॉर्मूला था एक्चुअल आर्स माइनस स्टैंडर्ड आर्स, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आर्स फॉर्मूला था, बराबर ना, इनटू क्या था, आर्स के अंदर जो था हम लोग का, अगर हम लोग देखेंगे तो क्या था हम लोग का, स्टैंडर्ड रेट। तो इसका आप लोग का आएगा बी, 23 का क्या आएगा आप लोग का, बी आएगा, ठीक है। 24 पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम का प्राइमरी मतलब इनिशियली बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट है लेकिन प्राइमरी मेन बेनिफिट क्या है, इट रिकॉर्ड, इट रिकॉर्ड कॉस्ट व्हाट शुड बी हैव बीन इनकर्ड, इट अलाउज फॉर कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट, इट इज इजी टू इंप्लीमेंट, इट इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू यूज। सबसे आएगा बेस्ट क्या है, बी, कि हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल को स्टैंडर्ड से क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, सबसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबसे मेन बेनिफिट यही है। द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड विच कैन बी अटेंड अंडर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन पॉसिबल, ऐसा स्टैंडर्ड जो हम लोग क्या कर सकते हैं अटेन कर सकते हैं फेवरेबल कंडीशंस के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बराबर ना, ये पूछा है। तो क्या लिखा है, आइडियल स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, करंट स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल स्टैंडर्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड विच इज एस्टैब्लिश फॉर यूज अनअल्टर्ड फॉर इंडिफिनिट पीरियड, जो हमने एस्टैब्लिश किए हैं इसको हम लोग अनअल्टर्ड नहीं किए और इंडिफिनिट पीरियड टाइम तक मतलब उसको सेम ही रहता है, बराबर ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूछा है। तो करंट स्टैंडर्ड, बेसिक आइडियल स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, इसका आएगा बेसिक स्टैंडर्ड। तो यही चीज ना ऊपर भी थी जो हमने ऊपर पढ़ा था ना बेसिक स्टैंडर्ड के बारे में, देखो मैं बोला था कि वो टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है, तो वही चीज ऊपर भी थी, तो लेकिन पता नहीं क्यों उसने उधर अलग दिया है यहाँ पे अलग दिया है, क्योंकि देखो ना इनडिफरेंट मतलब उसको अनअल्टर्ड मतलब उसको उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए, तो सेम चीज बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अलग आंसर यहाँ पे अलग। तो ये जरा एक बार आप लोग पढ़ लेना बेसिक स्टैंड के बारे में क्या बोलते हैं। चलो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ स्टैंड, इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड टाइप, स्टैंड का टाइप है ही नहीं कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे तो, आइडियल स्टैंडर्ड, नेगेटिव स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, करंट स्टैंडर्ड, तो इसका आएगा आप लोग का नेगेटिव स्टैंडर्ड, नेगेटिव स्टैंडर्ड बराबर है, कोई स्टैंडर्ड होता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइडियल स्टैंडर्ड इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट आइडियल स्टैंडर्ड के हिसाब से गलत है। आगे लिखा है इट इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल और मैक्सिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, इसको हम लोग थ्योरेटिकल या मैक्सिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड बोलते हैं। देयर आर स्टैंडर्ड कॉस्ट दैट आर सेट फॉर प्रोडक्शन अंडर ऑप्टिमल कंडीशन, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो ऑप्टिमल कंडीशन के अंदर पुट किया जाता है। इट मेक्स नो अलाउंस फॉर वेस्टेज, स्पॉइलेज, मशीनरी ब्रेकडाउन्स, ये भी बराबर है आइडियल स्टैंडर्ड। इट कैन बी यूज फॉर कैश बजटिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्टिंग, तो इसका आएगा आप लोग का डी बराबर है, सबसे रॉन्ग क्या है इसके लिए डी, 28 का आप लोग का देगा डी। नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज डिटरमाइंड अंडर स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम इज, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है किसके अंदर, किस बात कर रहा है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम के अंदर, फिक्स्ड हिस्टोरिकल डायरेक्ट प्री डिटरमाइन, तो इसका आएगा आप लोग का 29 का डी, प्री डिटरमाइन होता है, पहले से डिसाइड होता है। आगे द अमाउंट ऑफ वर्क अचीवेबल इज इन आर एट ए स्टैंडर्ड एफिशिएंसी लेवल इज, जो हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क क्या कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं स्टैंडर्ड एफिशिएंसी लेवल के हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं आइडियल स्टैंडर्ड, डायरेक्ट लेबर यूजेस एज पर आर स्टैंडर्ड आर्स, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका आएगा आप लोग का सी, स्टैंडर्ड आर्स बराबर ना, अमाउंट ऑफ वर्क अचीवेबल इन एन आर, दो आवर हम लोग क्या कर सकते हैं एक घंटे के अंदर अचीव कर सकते हैं एट ए स्टैंडर्ड एफिशिएंसी लेवल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड आर बोलते हैं बराबर। व्हाइल कंप्यूटिंग वेरिएंस फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, क्या बोला है एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंड प्राइस, प्राइस के बारे में बात कर रहे, तो क्या आएगा आप लोग इसका प्राइस वैरिएंस, 31 का क्या आएगा आप लोग का डी। आगे बढ़ते हैं व्हाइल इवैल्यूएटिंग डेविएशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टैंड कॉस्ट द टेक्निक इज यूज्ड, जो हम लोग डेविएशन निकाल रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंड कॉस्ट के बीच में उसके लिए कौन सी टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, सिंपल सी बात है हम लोग वेरियस एनालिसिस यूज कर रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है वेरियस एनालिसिस बराबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर टू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इज या मतलब एक या दो एक से ज्यादा भी टू हो सकते हैं, तो कौन सा ज्यादा वो होना है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वैरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट हम लोग को मटेरियल प्राइस निकालने का काम आता है, यस। द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मटेरियल यूसेज वैरिएंस, ये भी करेक्ट है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये रॉन्ग है, तो इसका मतलब आप लोग का आएगा डी, बोथ वन एंड टू अबव, दो वन और टू है वो दोनों करेक्ट है। द लेबर कॉस्ट वेरियंस मे बी एक्सप्रेस, लेबर कॉस्ट वेरियंस कैसे एक्सप्रेस करते हैं बराबर ना, तो लेबर कॉस्ट वेरियंस कैसे एक्सप्रेस हम लोग को बताने गए, बजटेड लेबर एक्चुअल लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड वेज लेबर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेज कॉस्ट, स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू वेज, क्या इसके बाद लेबर कॉस्ट वेरियंस की बात कर रहे हैं बराबर ना, तो इसका हम लोग का आएगा एक्चुअल वेज कॉस्ट स्टैंडर्ड वेजेड माइनस आउटपुट अचीव, तो इसका हम लोग का रहेगा 2034 का बी रहेगा, क्या रहेगा स्टैंडर्ड वेज रेट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट अचीव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को स्टैंडर्ड रेट मिलेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट मिलेगा, उसमें से क्या करेंगे एक्चुअल कॉस्ट क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हम लोग को लेबर कॉस्ट वेरिएंस मिल जाएगा, 34 वगैरह रहेगा आप लोग का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर टू, द स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर यूनिट ऑफ आउटपुट इज यूज टू कैलकुलेट लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आर्स, तो हम लोग को लेबर रेट निकालने के लिए काम आता है स्टैंडर्ड लेबर, हाँ। The standard direct labor hours per unit of output is used to calculate labor efficiency variance. Labor hours efficiency, yes. The standard direct labor hours per unit of output cannot be determined until the end of the period. तो end तक हम लोग इसको calculate नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो इसका जो correct statement है हम लोग का जो second वाला है वही सिर्फ correct है, बाकी सब correct नहीं है। पहले वाला जो direct standard direct labor hours उसने हम लोग को लगता है labor rate variance निकालने के लिए, हम लोग को actual rate लगता है, अगर आपको actual hours लगता है, sorry. तो सिर्फ सेकंड वाला क्या है राइट है, सेकंड वाला राइट है मतलब इसका क्या आएगा ओनली सेकंड अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन लोग में से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कौन सा मकसद है, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल, टू डिटरमाइन ब्रेक इवन प्रोडक्शन लेवल, टू कंट्रोल कॉस्ट, टू एलोकेट कॉस्ट विद मोर एक्यूरेसी, टू कंट्रोल कॉस्ट, देखो यहाँ पे भी कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल आ गया, तो यही ऊपर भी था फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में, पता नहीं वहां पे क्यों रॉन्ग दिया, इसलिए बोला आपको एक बार उसको पढ़ लो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। Which of the following best describe a basic standard? इसमें से basic standard किसको बोलते हैं हम लोग? अब आप देखो basic standard आ गया, अभी वापस ऊपर देखना ऊपर गलती कैसे? A standard set an ideal level which makes no allowance for normal loss and waste and machine downtime. A standard which assume an efficient level of operation but which makes which include allowance for no factor allowance factor such as normal loss, waste and machine downtime. A standard which is kept unchanged for over a period of time. A standard which is based on current price level. तो इसका हम लोग बोलते हैं ना अनचेंज, मैंने आंसर आप लोग को बताया था, तो अनचेंज ही रहेगा इसका, टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना आपको।
तो ऊपर थोड़ा रॉन्ग दिया था, ऊपर के जो क्वेश्चन थे वहां पे आप लोग एक बार उसको वेरीफाई कर लेना। हाँ थोड़ा गलतियां की है इसने। अब यहाँ पे आ गया न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आप लोग को देखना है तो वहां से देख सकते हैं। यहाँ से मतलब अभी मैं वापस एक्सप्लेन करते पड़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक न्यूमेरिकल करने के लिए कम से कम 2-3-4 मिनट जाते हैं। तो आप लोग के लिए बेहतर ये है कि आप लोग इसको क्या करें, कैलकुलेटर यूज करो, आप लोग कैलकुलेटर यूज करो। और मैंने 5-6-7 वीडियो बनाए इसके ऊपर, स्टैंड कॉस्टिंग के ऊपर। तो आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग ये सब समझ जाएगा। मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया आ जाए। देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डायरेक्ट मेटल यूज वेर 20,000, मतलब डायरेक्ट मेटल कितने का 20,000, कॉस्ट कितना है 4,000। तो एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल यूनिट्स दिया हुआ है, बराबर ना, कितना दिया 20,000। तो अगर इसको डिवाइड करोगे आप लोग तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, क्योंकि 40,000 रुपीज खर्चा करें आप लोगों ने 20,000 बनाने के लिए। तो एक बनाने के लिए कितना खर्चे पर यूनिट का कॉस्ट, एक्चुअल पर एक्चुअल जो क्वानिटी है सॉरी एक्चुअल जो रेट है आप लोग का पर यूनिट कितना है, 2 है, बराबर ना। आगे स्टैंडर्ड कॉस्ट आप लोग को दिया हुआ है, ये एक्चुअल कॉस्ट 2 आया आप लोग का, स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है। अज्यूमिंग मेटल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉग्नाइज व्हेन द मेटल आर यूज्ड, द मेटल प्राइस वेरिएंस हम लोग क्या निकालने का, मेटल प्राइस वेरिएंस निकालना है। तो मेटल प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंड क्या बोलते हैं, स्टैंड क्वांटिटी, स्टैंड सॉरी स्टैंड प्राइस, स्टैंड प्राइस क्या आप लोग का 2.10, बराबर ना, 2.10 माइनस एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस कितना है आप लोग का 2, मटेरियल प्राइस निकालने का फॉर्मूला है, इनटू क्या करते हैं हम लोग इसको, प्राइस निकाल रहे तो क्या करते हैं हम लोग एक्चुअल से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअल क्या निकालते हैं हम लोग, क्वांटिटी, बराबर है। देखो ये 2.10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे कितना आएगा 0.10 आ जाएगा आप लोग, बराबर है 0.10 मल्टीप्लाई किससे करने का, एक्चुअल क्वांटिटी से, एक्चुअल क्वांटिटी आप लोग की कितनी है 20,000, 20,000 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आप लोग का 2,000 आ जाएगा। 2,000 क्या आएगा आप लोग का फेवरेबल, तो 38 का क्या आप लोग का सी है आंसर, हो गया। तो ऐसे कैलकुलेट करना है आप लोग को। मेटल कॉस्ट वेरिएंस 9,400, मेटल यूसेज वेरिएंस इज 8,200 एडवर्स, मेटल प्राइस वेरिएंस, तो इसका आप लोग का मैंने वो बताया था, क्या बोलते हैं इक्वेशन है आप लोग को पता होगा। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, बराबर है। तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप लोग का दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 9,400, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आप लोग को नहीं दिया हुआ है, बराबर ना, नहीं यूसेज दिया हुआ है कितना 8,200, 8,200 यहाँ पे एडवर्स है, वहाँ क्या हो जाएगा फेवरेबल, तो 9,400 प्लस फेवरेबल 17,600 किस में आया, प्लस में आया दोनों, तो फेवरेबल, तो इसका 39 का क्या आप लोग का ई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 लिखा हुआ, देखो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर मैं हल कराने जाऊंगा तो बहुत टाइम चलेगा, खाली मैं एक करा के बता दे रहा हूँ आप लोग को। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आप लोग को इसमें देखो क्या क्या दिया है, एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है 350, एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है 5,100, एक्चुअल प्राइस मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया है आप लोग को 12750, स्टैंडर्ड प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं, एमपीवी इज इक्वल टू, अगर आप लोग को याद हो प्राइस है तो क्या रहेगा हम लोग का, नहीं याद है तो आप लोग को मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग को 6-7 वीडियो बनाया है इसके ऊपर, मैंने आप लोग को देखना देख सकते हैं, स्टैंड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इन टू फॉर्मूला आप लोग का है, प्राइस आता तो क्या रहता है एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर है, ये मैंने पुट कर दिया एक्चुअल क्वांटिटी। अब जो आप लोग का प्राइस वेरिएंस है वो दिया हुआ है कितना दिया 1275, लेकिन अनफेवरेबल है, मतलब वो क्या है माइनस में है, बराबर ना, नेगेटिव है। स्टैंड प्राइस आप लोग को नहीं पता है, वैसे का वैसे ही लिख देंगे उसको, एक्चुअल प्राइस आप लोग को पता है, एक्चुअल प्राइस कितना है आप लोग का 3.50, तो मैं इसको 3.5 लिखूंगा तो भी चल जाता है, एक ही बात है, बराबर है। एक्चुअल क्वांटिटी आप लोग को पता है कितना है 5,100, बराबर है, ये वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कौन डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या आएगा वो डिवाइड होगा, तो 1275 डिवाइड बाय 5,100 आप लोग ओरली कर लीजिए, 1275 डिवाइड बाय 5,100 मतलब कैलसी यूज कर सकते हैं ना आप लोग, तो कितना आएगा 0.25, आंसर आ गया 0.25, कैसे आया वो याद रखना, 0.25 डायरेक्टली नहीं करना, एक स्टेप आप लोग को करना है, ये 125 ये 5,100 मल्टीप्लाई माने क्या होगा डिवाइड हो गया, तो डिवाइड करें इसको 5,100 से तो आया 0.25। यहाँ पे क्या बचा आप लोग का स्टैंडर्ड प्राइस माइनस 3.50, बराबर है। अब ये यहाँ पे माइनस है माने क्या हो जाएगा प्लस है, तो ये वहां जाके प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो कितना आ जाएगा आप लोग का 3.50 से माइनस करेंगे तो आप लोग का क्या आ जाएगा इसका डी आ जाएगा, बराबर है, वहां पे 3.50 यहाँ के 0.25 माइनस होगा उससे तो कितना हो जाएगा 3.25, तो आप लोग का 40 का आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का डी 3.25। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन कराया आप लोग को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों से शेयर करना,
और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारे लेसन मैं आप लोग के लिए ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के सारे लेसन वीडियो बना चुका हूँ, ऑलमोस्ट कुछ चीजें बाकी है, आप लोग मुझे रिकमेंड कर देना तो मैं उसे वो भी कर दूंगा। हाँ, अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे के आप लोग खुद से कीजिए, आगे आंसर वगैरह आप लोग को दिया हुआ है।